calculate the electric flux through the CSA of a cylinder due to a point charge placed as shown in the figure. यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है जो कि इस सिलेंडर के सेंटर पे रखा हुआ है, ठीक है। अब मेरे को फाइंड करना है कि इस सिलेंडर के CSA से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। इस सिलेंडर की टोटल लेंथ है L, रेडियस है R। जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में करा था, यहाँ पे भी हम एक एलिमेंटल रिंग ले लेते हैं जो इस रेफरेंस लाइन से x डिस्टेंस पे दूर है और उसकी विड्थ है dx, ओके? इस एलिमेंटल रिंग का जो एरिया वेक्टर होगा वो परपेंडिकुलर होगा टू द एरिया, ये dA वेक्टर है जो परपेंडिकुलर टू दिस एरिया है, ओके? एवरीवेयर ये परपेंडिकुलर होगा। मैं सिर्फ इस पॉइंट की बात कर रहा हूं, इस पॉइंट पे होगा ऐसे, इस पॉइंट पे होगा इधर, इस पॉइंट पे होगा ऐसे, ओके? इसके बैक साइड में उसके परपेंडिकुलर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एवरीवेयर होगी ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज। इस पॉइंट पे पर्टिकुलरली बात करूं तो इस डायरेक्शन में होगी। दोनों के एंगल, दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में, वो होगा थीटा एंगल। ये एंगल भी मेरा थीटा हो जाएगा ज्योमेट्री से, ओके? अब ये एंगल थीटा है तो हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट देखेंगे अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर और एलिमेंटल फ्लक्स निकाल लेंगे। तो जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में करा था, एलिमेंटल फ्लक्स निकाल लेते हैं। डी फाई इज इक्वल्स टू ई डी ए कॉस थीटा, ओके? वेयर ई कॉस थीटा इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। यहां पे सेम ई की, डी ए की और कॉस थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, टोटल फ्लक्स के लिए इंटीग्रेट करेंगे सर्टेन लिमिट्स में और आंसर आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है। E की वैल्यू क्या होगी, के क्यू बाय दिस डिस्टेंस का होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस क्या है, ये आपके पास x, ये r, ये हाइपोटेन्यूज, तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। डी ए अगेन ये रिंग है मेरे पास, एक रिंग को कट करेंगे तो एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप आएगी, विथ डी एक्स है, लेंथ है 2πr, एरिया हो जाएगा 2πr डी एक्स। कॉस थीटा की वैल्यू, ये एंगल थीटा है तो कॉस थीटा बेस, दिस इज योर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। वैल्यू पुट करेंगे ई डी ए कॉस थीटा की इस इक्वेशन में, वैल्यू पुट कर दी मैंने, टोटल फ्लक्स के लिए इंटीग्रेट करूंगा, इस इक्वेशन का इंटीग्रेशन करूंगा टोटल फ्लक्स के लिए और वैल्यूज भी पुट कर दिए हैं, ई डी ए कॉस थीटा इंटीग्रेशन, ओके? इसको सॉल्व कर लेता हूं, रिड्यूस कर लेता हूं एक्सप्रेशन को। यहां पे मैंने के की वैल्यू पुट कर दी, के की वैल्यू पुट करूंगा तो इधर आएगा 4πε0, 2π, 4π कैंसिल होगा, एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2। टर्म्स कैंसिल करने के बाद रिड्यूस्ड फॉर्म में ये इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्यू आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट है अपॉन 2ε0 इंटीग्रेशन के साइन के बाद। वापस से एक और इंटीग्रल आ गया जिसको हम कई बार प्रीवियस वीडियोस में सॉल्व कर चुके हैं, आपको मैं बोल चुका हूं कि इसको डायरेक्टली लिखना सीखिए, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या, जो हम इसको रिड्यूस फॉर्म में या इसको दूसरे फॉर्म में हम लोग चेंज करके क्या लिख सकते हैं आपको बताया मैंने, वो होगा कॉस थीटा डी थीटा, ठीक है। इसको दोबारा से देख लेते हैं कैसे होगा कॉस थीटा डी थीटा। एक्स की वैल्यू होगी, मान लेते हैं एक्स इक्वल्स टू आर टेन थीटा, तो डी एक्स हो जाएगा आर सेक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा। वैल्यूज पुट करेंगे, एक्स की जगह आर टेन थीटा, डी एक्स की जगह आर सेक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा, ओके? वैल्यू पुट कर दी मैंने, आर क्यूब कॉमन आ जाएगा बाहर, आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर थीटा, सेक्स स्क्वायर थीटा टू द पावर 3/2 हो जाएगा सेक क्यूब थीटा, सेक्स स्क्वायर थीटा, सेक क्यूब थीटा कैंसिल होगा और मेरे पास क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट पेज में देखते हैं, सॉरी, हमारे पास बचेगा कॉस थीटा। तो ये हमारे पास जो मैं आपको डायरेक्ट बता रहा था, ये डायरेक्ट लिखना सीखना है हमने, बार बार हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे एग्जाम में, लेकिन आपको याद हो जाए इसलिए मैं करता हूँ आपके लिए एफर्ट्स, ठीक है ना। तो माइनस एल बाय टू से प्लस एल बाय टू हम लोग इंटीग्रेट करेंगे इसको, कॉस थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन थीटा। अब एल बाय टू साइन थीटा की जगह वैल्यू पुट नहीं कर सकता मैं, तो इसलिए मैं इन टर्म्स ऑफ एक्स और आर वापस से साइन थीटा को लिख देता हूँ। इंटीग्रेशन की लिमिट्स मैंने कैसे पुट करी वो आपको बता देता हूँ मैं। रिंग जो है मेरी वो कहाँ से कहाँ वेरी करेगी, आप एक्स को देख सकते हैं, एक्स
इस साइड में कितना जा रहा है प्लस एल बाय टू, और इस रेफरेंस लाइन से इधर कितना जाएगा माइनस एल बाय टू। सो माइनस एल बाय टू से लेकर एल बाय टू तक अगर मैं इंटीग्रेट करूं, माइनस एल बाय टू से एल बाय टू तक, तो मेरी पूरी जो सिलेंडर है वो आ जाएगा। ओके अब माइनस एल बाय टू से प्लस एल बाय टू इंटीग्रेट करने के लिए साइन थीटा को फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को चेंज करना पड़ेगा, एक्स और आर के टर्म्स मैंने चेंज कर दिया। ओके अब मैंने हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करना है, कि मेरा वेरिएबल यहाँ क्या है, एक्स है वेरिएबल, तो एक्स की जगह वैल्यू पुट करूंगा। ध्यान से वैल्यूज पुट करने के बाद दिस विल बी माई फाइनल रिजल्ट, दैट इज क्यू अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट इंटू टू एल अपॉन अंडर रूट फोर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। थैंक यू सो मच।